हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मशीनरी हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं एक नया बिजनेस, एक नया यूनिक आइडिया आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आप कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रोजगार आप कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसी यूनिक मशीन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप एक ही मशीन से 3 से 4 बिजनेस आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में तो आपने बहुत सुना होगा कि एक मशीन से 3 से 4 बिजनेस आप कीजिए, और हमारे पास भी आपने कैसी मशीन देखी होंगी। पर फ्रेंड्स, यकीन मानिए, ये मशीन पूरी तरीके से यूनिक है, पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, इसी मशीन को समझने के लिए कि इस मशीन में हम कैसे क्या वर्क कर सकते हैं और इस मशीन में हम कितने वैरायटी की चीजें बना सकते हैं, सीधा चलते हैं दिनेश सर के पास और जानते हैं इस मशीन के बारे में और इस बिजनेस के बारे में। नमस्ते दिनेश सर। नमस्ते मैडम। सर, आप हमें बताना चाह रहे थे अपना एक यूनिक मशीन के बारे में। आप एक नया यूनिक मशीन बनाया, तो उस मशीन के बारे में बताइए कि उस मशीन में आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मैडम, मैं बता देता हूँ मशीन के बारे में। देखिए, मार्केट में आपने सुना होगा, फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा मार्केट में कि एक मशीन से 3 बिजनेस आप करें, लेकिन मशीनें भी आपने देखी होगी और हमारे चैनल पे भी आप हमेशा देखते होंगे अलग अलग वीडियोस वगैरह, तो वहाँ पे भी आपने ये मशीन देखी होगी। लेकिन आज मेरा जो मशीन दिखाने का पर्पज है, ये एक ऐसी मशीन है जो आज तक अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाली है, ना किसी ने अभी तक बनाई है। मान के चलिए हमने ये फर्स्ट मॉडल आप लोगों के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें अलग क्या है आपको वो डिफरेंस बताता हूँ, प्लस आपको क्या हर एक, जैसे आपका 3 बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम 3 बिजनेस क्या स्टार्ट कर सकते हैं, पहले तो वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट, आप इसमें पेपर प्लेट, आप अपना पेपर प्लेट, थाली, डोना, जो भी आप आइटम चाहो वो बना सकते हो। दूसरा, अगर आप स्लीपर में बनाना चाहते हो, स्लीपर कटिंग करना चाहते हो, स्लीपर बिजनेस करना चाहते हो, वो कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको स्क्रबर, आजकल जैसे मार्केट में डिमांडेबल है स्क्रबर भी, स्क्रबर अगर आप पैक करना चाहते हैं, मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, टूथब्रश वगैरह आप पैक करना चाहते हैं, तो इजीली आप ये तीनों काम कर सकते हैं। चौथा, अगर स्लीपर में इम्बोजिंग वगैरह भी आप करना चाहें तो इस मशीन के थ्रू आप वो भी कर देते हैं। पहले तो मैं आपको क्या है मशीन का लुक आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये मशीन यूनिक है, औरों से कैसे ये अलग है। अब मैं आइए एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैडम दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए, ये पहली बात तो क्या है कि हमारे पास इसमें एक, आपने मतलब मार्केट में भी देखा होगा, ये जो है मेरी सी फ्रेम की मशीन है। सी फ्रेम में क्या होता, पहले मैं इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट भी बता देता हूँ। पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ इसमें स्लीपर में क्या है, कि वैसे नेगेटिव पॉइंट कम है लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ही बता देता हूँ। जैसे अगर आपने स्लीपर में देखा होगा 3 बिजनेस मशीन के लिए, जैसे एक मशीन हमारे पास ये भी है, ये मशीन है, जैसे एक हमारे पास ये भी 3 बिजनेस मशीन है, इसमें भी आप 3 बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे जो ये सिलेंडर है, इसमें क्या आपका सेंटर में लगा हुआ है। सेंटर में लगने से क्या है, अगर आप स्लीपर बिजनेस करना चाहते हैं तो स्लीपर में क्या है, आपको शीट जो है पार्ट वाइज आपको इसमें डालनी होगी, थोड़ा सा क्या है टुकड़ों में आपको ये डालना होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो जाता। लेकिन इस मशीन में क्या रहेगा, इस मशीन में हमेशा ये रहता है कि आपका शीट जो है आपको कट करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी शीट आप इजली इसमें रख सकते हैं। यहाँ से आप अपना, जैसे ये बेड साइज होता है, आप अपना जैसे टेबल लगा के साइड में प्रॉपर पूरी शीट आप इसमें रख सकते हैं। लेफ्ट राइट जाएगा तो आपका क्या टुकड़े कटने से बच जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, मैं पेपर प्लेट का आपको दिखा देता हूँ। पीछे मैंने क्या है रोलर दिए हैं, मैडम आइए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। पीछे जैसे ये है कि ये मैंने रोलर सिस्टम दिया है, और रोलर सिस्टम के लिए मैंने, देखिए पीछे पूरा आपको 7 रोल का स्टैंड दिया हुआ है। इकट्ठे आप इस मशीन में चाहो तो 10 रोल भी काट सकते हो, 3 रोल, 4 रोल, 5 रोल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप मशीन बनवा सकते हैं। प्लस मैंने इसमें एक अलग सिस्टम क्या किया है, इसमें है ना, मैंने आपको ये एक मोटर दी है। मोटर से क्या होगा कि आपका अगर ज़्यादा रोल है, ज़्यादा रोल क्या है, इजिली आपकी ये मोटर इजिली खींच लेगी। मेरे पास इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी है चेन सिस्टम से, जिसमें आप चेन सिस्टम में क्या नेगेटिव पॉइंट होता है कि जब आपके ज़्यादा रोल होते हैं तो वो प्रॉपर खींच नहीं पाते और चेन बार बार टूटती रहती है। लेकिन मोटर सिस्टम से क्या है, आप ज़्यादा रोल लगा के इजिली अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे बिजनेस के बारे में, स्क्रबर बिजनेस। जैसे आपको मैंने बताया कि, जैसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि पेपर प्लेट और स्लीपर के लिए, अब स्क्रबर बिजनेस में क्या ये मशीन यूनिक है वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे स्क्रबर में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे खाली क्या है डाई रख देते हैं, आता है मैनुअल काट ऊपर पैक करके चला जाता है। लेकिन किसी ने भी डबल साइड वाला नहीं बताया होगा कि भाई स्क्रबर भी आप इस मशीन में डबल साइड से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस मशीन में मैडम क्या किया है कि इसी मशीन में ये डबल सिस्टम करके दिया है।
जैसे यहाँ पे ये जो स्टैंड है, ये देखिए, ये जो स्टैंड है ये राउंड सिस्टम से चलता है। यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या है, आप स्क्रबर भी चाहो तो ट्रॉली से राउंड ट्रॉली करके आप इसमें डबल बना सकते हैं। तो आज तक ये मशीन आप लोगों ने नहीं देखी होगी इस टाइप की मशीन। दिनेश सर, ये चीज आपने सच बोली कि इतना कुछ करके कोई नहीं दिखाता, और फुली ऑटोमेटिक में तो कोई नहीं होता कि फुली ऑटोमेटिक में आपका पेपर प्लेट भी कट जाए, स्लिपर भी हो जाए और अपना स्क्रबर पैकिंग भी हो जाए। तो सर, जैसे आप हमेशा हमें अपनी मशीन का एक लाइव डेमो करके दिखाते हैं, तो क्या आप हमें इस मशीन का भी लाइव डेमो दिखाएंगे? हाँ मैम, बिल्कुल, मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ। बाकी मैं बता देता हूँ, ये हाइड्रोलिक प्रोसेस से ही ये काम होता है, जो थ्री बिजनेस जिसको बोलते हैं लोग आजकल, क्या छोटी मशीनों में भी बोल देते हैं कि आप तीन बिजनेस इसमें कर सकते हैं, बट कोई भी छोटी मशीन में सक्सेस नहीं होता विदाउट हाइड्रोलिक मशीन के। हाइड्रोलिक मशीन ही, हाइड्रोलिक प्रेसर ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप तीन काम कर सकते हैं, ना आप मैनुअल में कर सकते हैं, ना आप न्यूमेटिक मतलब जिसमें एयर कंप्रेसर के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं, ना उस पर कर सकते, सिर्फ हाइड्रोलिक में ही ये सक्सेस होता है। तो अभी जैसे मैंने पहले क्या है मैडम, मैं रनिंग करके आपको दिखा देता हूँ। पहले जैसे मैंने इसमें क्या प्लेट लगाई हुई है स्लीपर काटने के लिए, तो पहले हम इजी से स्टार्ट कर लेते हैं कि स्लीपर आप इसमें कैसे कट कर सकते हैं और अपना स्लीपर बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए क्या भैया को बुला लेता हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं मशीन को और कैसे इसमें आप स्लीपर काट सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए मैडम, मैं आपको ना इसमें स्लीपर कटिंग करके पहले दिखा रहा हूँ। इजीली हमें क्या होता है, जैसे इसमें ये स्लीपर की प्लेट होती है, ये आप जैसे अब तीन बिजनेस की बात कर रहे थे, इजीली सिर्फ होता कुछ नहीं, ये जो सिस्टम होता सिर्फ चेंज हो जाता है। जैसे स्लीपर में ये प्लेट लग जाती है, अगर आपको स्क्रबर काटना है तो स्क्रबर में क्या है कि आपको वो हटा देनी है, स्क्रबर वाली प्लेट लगा देनी है। अगर आपको पेपर प्लेट बनानी है तो ये हटा देनी है, पेपर प्लेट की डाई लगा देनी। अब जैसे मैंने यहाँ स्लीपर काटने के लिए एक फट्टा रखा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बेस्ट रहेगा आपके पास जितना भी आपका बेड साइज है प्रॉपर ढाई इंची का आपके पास प्रॉपर मोटा फट्टा होना चाहिए। ये फट्टा देखिए मेरा थोड़ा सा यूज हो गया है, तो ये थोड़ा सा वैसे है, लेकिन आप फिर भी मैं इसमें कटिंग करके दिखाऊं। बट आप लोगों के लिए अगर आप इसमें डबल भी चाहते हो काटना तो प्रॉपर मोटा और बिल्कुल फिनिशिंग वाला फट्टा आप रखिए। अब मैं दिखा देता हूँ भैया, एक बार दिखाना इसको, जैसे हमने ये रखा हुआ है इसमें। अब देखिए, जब हम बात कर रहे थे पूरी शीट रखने की, जैसे ये पूरी शीट है इसमें हम इजीली रख सकते हैं, लेफ्ट राइट पूरी शीट को हम रख सकते हैं। और जैसे हमने ये देखिए डाई रखी है, और ये यहाँ पे हमने क्या, दो ऑप्शन है वैसे इसमें, आप ऑटो से और पैर से। मैं पैर से आपको ऑप्शन चला के दिखा रहा हूँ कि इसमें पैर वाला जो रिमोट सिस्टम हमने दिया, देखिए ये रिमोट सिस्टम हमने दिया, दबाया ये ऊपर आया, ये देखिए पूरी कट हुई ऊपर चला गया, ये देखिए कितनी जबरदस्त, एक ही बारी में आपकी कितनी जबरदस्त फिनिशिंग आ गई है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए आप, आपको ग्राइंडर की भी इसमें जरूरत नहीं है कहीं पे भी। अब ये आ गया राइट पैर, मैं इसका लेफ्ट पैर आपको काट के दिखा देता हूं। अगर आप डबल डाई यूज करते हैं तो आपको क्या शीट पलटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो लेफ्ट राइट ज्वाइंट होती है। लेकिन अभी सिंगल डाई से अगर आप काट रहे हो तो आपको क्या लेफ्ट पैर काटने के लिए आपको हमेशा शीट पलटनी पड़ती है। तो एक बार ये पलट के दिखा दो, ये हमारी जैसे पलट गई। आपको एक चीज मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, आपको पूरी प्रॉपर फिनिशिंग के लिए आप अपना एक बेड साइज जरूर रखना, पूरा प्रॉपर एक बेड बनवा लेना, जिससे जैसे अभी ये क्या झुक रही है, झुकने से क्या होता है कि आप ये देखिए ये यहाँ उठ जाती है, लेकिन अगर आपका पूरा फ्लैट हो, जैसे मैंने पकड़ा हुआ फ्लैट होने से क्या है फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और हमेशा क्या शीट पे हमेशा आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, कम से कम आपको ये शीट का सिस्टम आपको लेके चलना होता है। अब देखिए इसी में रिमोट सिस्टम से फिर से भैया ने दबाया, जैसे ये देखिए पैर दबाया ऊपर आया, ये देखिए, ये देखिए अब इसका जो आ गया ये हमारा बिल्कुल, इसकी भी फिनिशिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी भी फिनिशिंग देखिए, आपको ना ग्राइंडर की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी, इतनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है। जैसे पहले हमारा राइट पैर था, ये हमारा लेफ्ट पैर है, ये देखिए राइट और लेफ्ट हमारा ये हो गया। बाकी इसका जो दूसरा काम होता है, जैसे ड्रिलिंग मशीन का, ग्राइंडिंग मशीन का अलग अलग काम होता है, वो जैसे उसके लिए अलग एक्सेसरीज होती हैं, जैसे ड्रिल मशीन होगी, ड्रिल मशीन से हमारा छेद करते हैं, वो ड्रिल मशीन जैसे हमारी रखी हुई है, ग्राइंडर मशीन हो गया जिससे हम अपना, जैसे ये रखी हुई है हमारी, ये फिनिशिंग आ जाती है ग्राइंडर से। स्ट्रैप टेबल होती है भद्दी डालने के लिए, यूज करने के लिए, और अगर प्रिंटिंग वगैरह का प्रोसेस आपको चाहिए, अगर आपकी सीट फ्लैट होती है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं।
ये हमारा मैडम देखा, आपने देखा होगा ये कितनी आसानी से हमारा ये हो गया है। अब इसी मशीन में दूसरा मैं आपको क्या है कि पेपर प्लेट बना के आपको दिखा देता हूँ कि पेपर प्लेट आप इसमें कैसे बना सकते हो और कैसे आपका इकट्ठा आप 3 रोल 4 रोल 5 रोल चाहो तो इकट्ठे आप इसमें चला सकते हैं। देखिए इसका ये चेंज करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। आपको प्रॉपर क्या है कि पूरी की पूरी ये एक बारी नीचे कर लेनी है और जो इसमें ये नट होते हैं ये बिल्कुल ईजिली ये लूज करने हैं। लूज करने के बाद ये अपने आप नीचे आ जाता है। अब इसमें जो है आपका पेपर प्लेट कैसे आप पेपर डाई कैसे आप सेट कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। पेपर प्लेट की जो डाई होती है आपने लगाया, प्लस आपको क्या है आपकी शीट मेन वो होती है कि आपको कितनी इंची की आपको प्लेट काटनी है, तो उसी हिसाब से आप अपना इसमें शीट एडजस्ट करते हैं। तो अभी मैं वो पेपर प्लेट की शीट भी लगा के दिखा देता हूँ और डाई कैसे सेट होती है वो भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें प्लेट भी जो है पेपर प्लेट भी इजीली वही प्रोसेस है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा सिलेंडर जब नीचे आ जाता प्रॉपर टिक जाता उसके बाद नट प्रॉपर टाइट करने होते हैं, ताकि क्या है कि पूरा प्रेशर पड़ने से वो इजीली इक्वली हो जाती है हर जगह से। ऐसे ही नीचे पड़ने के बाद नीचे डालने के बाद पूरा होने के बाद नीचे उसके बाद पूरे नट आपको टाइट उसी के बाद करने हैं। पहले आप लूज लगा के आप इसको प्रॉपर फिनिशिंग में ले आओ और जब फुल हो जाता है तो नट पूरे टाइट कर दो। अब इसमें चद्दर कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये पेपर प्लेट के लिए क्या करना है, डाई सेट करके ये देखिए हमने यहाँ पे ना बिल्कुल एक यहाँ पे हमने ये बोल्ट दिए हुए हैं, जिससे क्या है आपकी जो भी प्लेट रहेगी जो भी साइज़ की आपको प्लेट लगानी है बीच से आप राउंड करके अपने वहीं पर आप अपना राउंड करके आप इजीली उसमें काट सकते हैं। जैसे इसके अंदर चला जाएगा ये, इसमें क्या आप फुली ऑटोमेटिक सिस्टम से आप फिर इजीली क्या है इसमें काट सकते हैं, जिससे क्या अगर आपका पेपर आएगा तो कोई नीचे नहीं जाएगा आपका, इजीली आपका इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए लुक भी आप देख लीजिए इसका। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा सर ने हमें स्लीपर कट करके दिखा और कितना बढ़िया फिनिशिंग से ये कट करके दिखाया है। अब हम चलते हैं अपना पेपर प्लेट की तरफ कि इसमें पेपर प्लेट का मतलब पेपर प्लेट कैसे बन सकता है, तो सर इसका भी एक रनिंग वीडियो आप हमें दिखा। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। वैसे मैडम मैंने अभी इसकी टेस्टिंग भी अच्छे से कर ली है पहले भी अच्छे से, क्योंकि इसमें सेटिंग का ही मेन पॉइंट होता है, क्योंकि जब तक सेटिंग नहीं आप कर पाओगे आप ज़्यादा रोल नहीं चला पाओगे। तो मैंने इसकी सेटिंग की है। अभी मैं आपको ये कैसे रनिंग होता है, मैंने ये तो आपको दिखा दिया कि कैसे डाई आप चेंज करते हैं, तो अब मैं इसका रनिंग दिखा देता हूँ। इकट्ठा मैंने 6 रोल इसमें लगाए हुए हैं। प्रॉपर आप चाहो इस मशीन में 10 रोल लगाना भी वो भी आप इजीली कर सकते हैं। कैसे ये रनिंग होता है, सिंपल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस से चल रहा है। सिंपली हमने ऑन कर दिया, ये देखो देख सकते हो सारे रोल जो है वो एक साथ चल रहे हैं और एक साथ इकट्ठा फिनिशिंग से ये कटता। और ये देखिए मैडम कि कितने इजी प्रोसेस से क्या है कि पेपर आ रहा है। ये देखिए आपने 6 रोल अपने इकट्ठे लगाए हुए हैं, 3 हमारे ऊपर रोल चल रहे हैं, 3 हमारे नीचे रोल चल रहे हैं। आप इसमें अपना डाई चेंज करके जो भी डाई आप यूज करना चाहे, जैसे कि मैंने बफेट की डाई लगाई हुई है 12 इंच की, आप इसमें रिंकल वगैरह भी बनाना चाहो तो ये आप इसमें बना सकते। ठीक है, बाकी अब मैं इसमें ये ऑफ करके दिखा देता हूँ मैडम। अगर आप इसमें चाहें, अब तीसरा जो ऑप्शन हमारा होता है स्क्रबर पैकिंग का, वो अब मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको कि आपकी पैकिंग आप इसमें कैसे राउंड सिस्टम से डबल साइड सिस्टम से आप इसको करके दिखा रहे हैं। बाकी इसमें एक चीज़ है कि ये जैसे अभी हमारा हीट था प्रॉपर, तो हम इसकी हीटिंग भी प्रॉपर बंद कर देते हैं अब इसका, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा क्या है जब आपका नीचे ये डाई आ जाता तब आपको ओपन खोलना होता है इसको, और जब हीटिंग क्या है मतलब जैसे अभी डाई क्या है हीट है, जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही ये खुलती है आपका।
अब मैं इसमें क्या स्क्रबर का आपको ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपका कैसे मतलब इसका रॉ मटेरियल होता है, क्या क्या रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसके बाद मैं सारी बातें इसकी क्या हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो मैं आपको बताऊँ। फ्रेंड्स जैसा कि अभी हमने देखा कि अपना पेपर प्लेट किस तरीके से बनता है, स्लीपर की कटिंग किस तरीके से की जाती है, अब हम इसमें देखेंगे कि पैकिंग किस तरीके से होता है। तो सर जिस तरीके से आपने पेपर प्लेट दिखाया, एक बारी पैकिंग का भी दिखा दीजिए। मैं बिल्कुल बता देता हूँ मैडम, देखिए मैं जो मशीन की बात यूनिक क्यों कह रहा था इसलिए भी कह रहा था कि आपने अभी तक जो मशीनें देखी होंगी, जैसे मैंने मोटर सिस्टम दिया या पूरे 6-6 रोल चला के देखे हैं तो किसी ने नहीं दिखाया होगा, लेकिन अब स्क्रबर में भी बात करें, अगर पैकिंग की भी बात करें तो लोग क्या करते हैं कि सिंपल नीचे डायल रख देते हैं, प्रेस करते हैं और इजीली वो निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने इसमें भी क्या किया, ये राउंड सिस्टम दिया, ये देखिए ट्रॉली जो है राउंड सिस्टम है, इसमें क्या है कि आप एक ही लेबर अपना डबल साइड मतलब फास्ट अगर प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए उस हिसाब से करके दिखा सकता। अब मैं एक साइड तो जूनी पैक करके आपको स्क्रबर पैक करके दिखा रहा हूँ, दूसरी साइड मैं आपको टूथब्रश पैक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी ये ले लिया है अपना शीटे में, ये मेरी शीट है, जैसे पैक करके दिखा रहा हूँ, ये हमने ऑलरेडी अपना ब्लिस्टर और जूना रखा हुआ है, ये शीट नॉर्मली ऐसे रखा, सिंपल वही है, घुमाने का प्रोसेस है, इजीली इसमें इजीली घूम जाता है। अभी क्या है ये नई थोड़ा सा क्या है अभी पेंट हुआ तो इस वजह से थोड़े से ये टाइट चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका ये मशीन चलेगी, जैसे जैसे ये राउंड होता रहेगा बहुत स्लो हो जाएगा। सिंपली वही ऑन ऑफ का मैनुअल सिस्टम है, अब वही पैर वाला ऑप्शन इसमें है, जैसे हम अपना स्लीपर फिटिंग करते हुए कर रहे थे, और इसमें देखिए ये सिंपल आया, वही टाइमर मैंने इसमें दिया हुआ, प्रेस किया इसने और पूरा टाइम होते ही ऊपर चला गया। ऐसे ही अब जैसे वो साइड में इसमें टूथब्रश करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जैसे ये टूथब्रश मैं आपको इस साइड करके दिखा देता हूँ, जैसे घूम गए इजीली रखा, और यहाँ पे जब तक मैं इसको निकालूंगा इसको भी प्रेस कर देता हूँ, नीचे गया, और जब तक मैं इसको कपड़ा अपना एक कपड़ा पास में रखना आपको इजली, ये देखिए बहुत बढ़िया, ये देखिए प्रॉपर इसकी फिनिशिंग हो गई है, ये हमारा स्क्रबर पैक हो गया। अब इसी तरह जैसे दूसरी साइड मैंने आपको दिखाया जूना सॉरी टूथब्रश पैक करके, तो ये जूना पैक, अभी मैं टूथब्रश भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये टूथब्रश की देखिए फिनिशिंग आप देख लीजिए अच्छे से इसको कवरिंग करके, कहीं से भी उखड़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी आप इसकी देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप अगर चाहें ड्राई फ्रूट्स पैक करना या कोई आपको मसाले वगैरह पैक करने, तो ईजिली आप एक ही लेबर से फास्ट प्रोडक्शन आप इसमें कर सकते हैं। मैं अब मशीन का वर्क काफ़ी देर हो गई मशीन चलते चलते, मैं मशीन को बंद कर देता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये यूनिक मशीन है, आपने आप लोगों को मैंने इसमें पेपर प्लेट कैसे पैक होता वो भी दिखाया, स्लीपर कटिंग कैसे होती है वो भी दिखाई है, और आपका पेपर प्लेट वगैरह या दोनों सिस्टम जैसा भी आपको चाहिए वो भी कैसे आप पैक कर सकते हो वो भी आपको दिखा, इसलिए मैं 3-in-1 में बता रहा हूँ। बाकी अगर जैसे आप इम्बोजिंग का भी इसमें सिस्टम चाहते हैं, आप इम्बोजिंग भी इसमें ऐसे सिस्टम से कर सकते हैं, जैसे ये चीज़ है इम्बोजिंग होती है स्लीपर पे, जैसे ये ऑलरेडी क्या है ये इम्बोज हो रखी है इसमें, इसमें क्या है कि आपकी पीतल की डाई आती हैं, पीतल की डाई वही सेम प्रोसेस रहता है, प्रेस पड़ता जैसे हमें स्लीपर की प्लेट होती है, सिंपल वो प्रेस करेगी, पीतल की डाई होती है, ऑलरेडी एक उसमें हीटर भी होते हैं, हीटर में थोड़ा सा क्या पहले स्लीपर को जैसे शीट को हीट करना होता है, हीट करने के बाद पीतल की डाई जैसा आपका डिज़ाइन होगा, मान के चलिए पहले आपको सेम डिज़ाइन और सेम आपकी डाई होती है, सेम आपका वो प्रेस करेगी, उसी जगह से आपका इम्बोजिंग मतलब जहाँ से ये डिज़ाइन आ रखा वो ऐसा आप बना सकते हो। तो एक मशीन से आप कम से कम भी 4 वर्क कर सकते हैं मैडम इसमें। बहुत बढ़िया सर, हमने देखा कि फ्रेंड्स हमने देखा कि एक ही मशीन से सर ने हमें तीनों काम करके दिखाए हैं, स्लीपर भी कटते हुए दिखाया है और अपना डोना पत्तल फुल्ली ऑटोमेटिक करके दिखाया कि जैसे बहुत से क्या होता है कि कटिंग किया हुआ पेपर रखते हैं, पर यहाँ हमने देखा है कि रोल ही सीधा चल रहे हैं, मतलब रोल भी चल सकते हैं मैडम, और अगर आपको बफट बनाना अगर आपको लगता है कि आपको रिंकल भी बनाने हैं तो वो मैनुअल प्रोसेस से आप रिंकल बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या आपका सर्कल पेपर चलता है, बफट पेपर जैसे बड़ा चाहिए साइज में आती है शीट 13x13, 13x26 के हिसाब से शीट आती है, तो वो मैनुअल में चाहे आप मैनुअल भी बना सकते हैं मैडम, बिल्कुल। तो पैकिंग का भी हमने सारा किया और प्रॉफिट की बातें की है कि इसमें आपको लेबर एक ही चाहिए,
जैसे बहुत से क्या होता है कि अपना पैकिंग में दो लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अगर आपको डबल वर्क करना है, यहाँ पे क्या है कि एक ही लेबर पे आप दोनों काम कर सकते हो, मतलब एक लेबर की पूरी पूरी सैलरी आपको बच जाएगी। बिल्कुल मैडम। ठीक है सर, आप हमारे फ्रेंड्स को ये बताना चाहेंगे अगर ये मशीन किसी को परचेज करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं? मैडम देखिए, पहले तो मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी बिजनेस, जैसे हमेशा मैं वीडियो में अपनी में बोलता हूँ, हर किसी क्लाइंट को बोलता हूँ, कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप करते हैं पहले उसकी प्रॉपर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, अपनी मार्केट का आप सर्वे वगैरह करके आइएगा जरूर। दूसरी, आप जिस भी कंपनी से मशीन ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जहाँ पे आप फेथ कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वो कंपनी अच्छी है या नहीं है। तीसरा, हमेशा बोलूँगा सर मेरे पास आओ, मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरे पास मैं हमेशा बोलता हूँ आप डायरेक्ट विजिट कीजिए मेरे पास, विजिट करके आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। डेमो में हमेशा मशीन रहती हैं, आइए चीज़ देखिए, खुद पैक करके देखिए, खुद स्लीपर कटिंग करके देखिए, खुद पेपर प्लेट दोना बना के देखिए, सब कुछ सामने देखने के बाद आप अपना डिसीजन लीजिए। स्टार्टअप कर रहे हैं बिजनेस का, आप जितना बजट है आप उससे स्टार्टअप कीजिए, बाकी अगर आप कोई विजिट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमारा दिल्ली में मशीनरी हब के नाम से द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पे हमारा ऑफिस लगता है, सिर्फ 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, कभी भी आ सकते हैं। जैसे मेन रोड से अगर आप डायरेक्टली अपने व्हीकल, पर्सनल व्हीकल से भी आना चाहते हैं तो भी आप इजिली आ सकते हैं। सर, सर्विस वगैरह का क्या इसमें रहता है कि मतलब सर्विस कैसे आप दे सकते हो, जैसे दिल्ली में तो दिल्ली आप दे सकते हो, दिल्ली से बाहर अगर कोई मशीन लग रखी है तो? मैम होता क्या, मैं बता देता हूँ कि हमारे हर जगह लोकल में भी इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होते हैं, वो पेड होते हैं, तो जो भी हम इंजीनियर आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं वैसे 1 ईयर की वारंटी होती है, जो भी सर्विस इंजीनियर हम देते हैं वो आपकी मशीन को इंस्टॉल करता, ट्रेनिंग देता, प्रॉपर एक दिन के लिए आता, बट उस इंजीनियर का जो आना जाना, खाना पीना रहता, ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन और फूड का जो रहता वो टोटली आपको पे करके चलना होता है, और वैसे भी हम मशीन ऑलरेडी इस तरीके से सेट करके भेजते हैं ताकि क्या है कि आप वहाँ जाके खुद भी इसको इंस्टॉल कर सके, बट फिर भी अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो हमेशा क्या है, मैं अपना अपना जो टेक्नीशियन होता है वो दे देता हूँ। लेकिन एक मेन बात मैं बता देता हूँ, कोई भी मशीन हमसे ले रहे हैं दोस्तों, कोई भी मशीन आप लेते हैं, मैं हमेशा बोलूँगा कि वुडन पैकिंग जरूर लेके जाएं। अब जैसे ये मशीन है, वुडन पैकिंग आप लेके जाइए, वुडन पैकिंग अगर आप लेके जाओगे तो आपकी मशीन बिल्कुल ईजिली सेफ्टी से पहुँचेगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जरूर लगेगा आपका 2-3 हज़ार रुपये, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी मशीन में। सर देखो, मशीन तो चलो हमको आपके पास से मिल जाएगा, मेन मटेरियल होता है सर, बिल्कुल, तो मटेरियल कहाँ से मिल सकता है? मटेरियल भी मैडम पूरा हमारे पास से आपको प्रोवाइड होगा, जैसे अगर आप स्लीपर के मटेरियल की बात करें, देखिए स्लीपर का मटेरियल भी वहाँ पे रखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, आइए आप, ये थोड़ा सा माइक बचा लीजिए, ये देखिए आपको पूरा मटेरियल स्लीपर में भी मिलेगा, अगर आपको पेपर प्लेट वगैरह का मटेरियल चाहिए तो पेपर प्लेट है, जैसे रोल लगे हुए हैं ऐसे आपको पूरा का पूरा वो मिल जाएगा। स्क्रबर वगैरह का चाहिए, जैसे स्क्रबर की ये पेटियां होती हैं, आपकी जो शीटें होती हैं, ब्लिस्टर होता, सब आपको मटेरियल हमारे पास आपको मिल जाएगा मैडम। तो मतलब हमें मटेरियल के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा सर? नहीं मैडम, मटेरियल के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर पूरा जो भी रहेगा वो हम आपको प्रोवाइड करके चलेंगे, जो भी आपको मटेरियल वगैरह चाहिए, या मतलब कहने का है आपकी जो है, आप एक कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, स्टार्टअप कीजिए आप, हर चीज के लिए हमारे पास आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी आपको। ओके ओके, तो फ्रेंड्स देर किस बात की, जब सर बोल ही रहे हैं कि आप एक कदम बढ़ाओ, पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स एक कदम आप बढ़ा के तो देखिए, बिजनेस हर कोई करना चाहता है, पर उस बिजनेस को पहले आप समझ लीजिए सर के थ्रू। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं कंपनी के, तो उस स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल कीजिए, मशीन से रिलेटेड अच्छे से समझिए, अगर आपको लगता है कि आप ये चीजें कर सकते हो तो आप अपना पहला कदम बढ़ाइए। पहला कदम बढ़ाओगे, मार्केट की भी सपोर्ट दी जाती है, गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, प्रॉपर रॉ मटेरियल मिल जाएगा आपको, सर्विस सर के पास से आपको मिल जाएगी, तो दिक्कत कहीं भी नहीं होगी अपनी। बिल्कुल, हाँ जी। बाकी अपना और जाते जाते कुछ आप कहना चाहेंगे अपने? बस यही कहना चाहूंगा मैम कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है जरूर, लेकिन आपकी प्रॉब्लम में साथ खड़े हैं, आप अपना सर्वे वगैरह कीजिए, आप अपनी नॉलेज लेके आइए, उसके बाद जब आपका जितना आपका बजट है उतने से आप स्टार्टअप कीजिए और हम आपके लिए हमेशा रेडी खड़े हैं। चलो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलती हूँ और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपको मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।